जय माता की दोस्तों। और दोस्तों, कटरा से हम जा रहे हैं जम्मू के लिए, जो कि हमारे 2:30 बजे की ट्रेन है। और है ना भाई, जो ट्रेन थी ना वो हमारी छूट चुकी थी, और ड्राइवर बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं यहाँ के। बाकी है ना, अब फिर हम जम्मू रात को 9 बजे ट्रेन में बैठे। 9 बजे ट्रेन में बैठने के बाद में हम जा रहे हैं अमृतसर, और ये अभी हम अभी जा रहे हैं मणिपुर ट्रेन अमृतसर। में बैठे हम। और ये अमृतसर के अंदर दुर्गियानी माता माता का मंदिर भी है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है और ठाकुर जी का मंदिर भी है। और ये मार्केट है, प्रसाद की दुकान है। ये है काली माता का मंदिर, जो कि आप दर्शन करो, बहुत ही सुंदर सजावट हुई है। और हम आगे ये जो दिख रहे हैं हमें, ये दुर्गियाना तीर्थ, ये बहुत ही सुंदर मंदिर, बिल्कुल स्वर्ण मंदिर जो है ना गुरुद्वारा उसकी जैसे बना हुआ है। ये है राधा गोविंद का मंदिर, और इसमें सरोवर में इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत ही अद्भुत। और जो ये है मेन द्वार, हम पीछे किस्से से गए थे, फिर वापस से बाहर निकल के मेन एंट्री से गए। और ये जो आपको सामने जो दिख रहा है तरपाल है, ये है गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये गणेश जी भगवान की मूर्ति इस मेन द्वार पे, और इधर है शेरावाली मैया की, तो जय माता की। और दोस्तों, अभी यहाँ से हम अंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे है ना इतने पंखे लगे हुए हैं, पैदल चलने वालों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, गर्मी लगने का कोई सवाल नहीं। और ठाकुर जी का मंदिर देखो आप, कितनी अच्छी, कितना सुंदर है ना मंदिर है। बाकी देखो, बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, जितने मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम ये देखो आप, ये गरुड़ महाराज, सरोवर के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर भगवान की मूर्ति है। और हमारे मनीष भैया है ना गेट पे धोक लगा रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पे कि धोक धोक यहीं से है ना। और ये देखो शिव जी, माता गौरा मैया, पार्वती मैया, हर दरवाजे पे बहुत ही सुंदर नक्काशी थी। अभी ये जय श्री राम, ये हनुमान जी महाराज, सरोवर के चारों तरफ बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं। और हर तरफ पंखे लगे हुए हैं, मतलब कहीं से भी है ना गर्मी के अंदर परेशानी हो सकते हैं। हर हर महादेव। और ये माँ ज्वाला देवी की अखंड ज्योति, और बहुत ही अखंड ज्योति निरंतर चलती रहती है। ये प्राचीन श्री बड़ा हनुमान जी का मंदिर का रास्ता, अब बड़े हनुमान जी के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले अंदर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने बहुत ही दर्शन अच्छे किए। और ये सामने में जो हमने ना ब्लॉक किया, हमने बहुत ही है ना डिटेल से ब्लॉक किया, लेकिन दोस्तों अपना मोबाइल चोरी होने के कारण पूरे 5-6 दिन के ब्लॉक सब गए। और ये राकेश भैया ने वीडियो बनाई थी, उससे हमने लिए। और ये करीब 700 वर्ष प्राचीन पुराना मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यह है बड़े हनुमान जी, तो जय श्री राम, बोलो बालाजी महाराज की जय। हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए हैं उसके। किसकी लुगाई है भाई, ऐसे ऐसे गाड़ियां पकड़ी। अब बताता भाई, आपने लाइव टेलीकास्ट का देखा था, आपने देखा है ना आगे का है ना छोड़ने का खराब हो रहा है, तो लाउड मजबूरी है कि लाउड स्पीकर करना पड़ता है। मेरे बच्चे भी मेरे ऊपर छोड़ दिया। क्या कहा इसी, आपके बच्चे साथ ले जाते हैं, मेरे ऊपर छोड़ दिया, आप पढ़ाई लिखाई सब कुछ। और मैं कुछ गाली वाली भी सुन रहा था, बड़ो अड़वा क्या गिरती, कुछ शर्म नहीं आती है। अच्छा, बोले कि 4 दिन से रोने का आई थी चेहरे पे, और ये इतने में पता लगा तेरे लिए सोल गया, सोल सब गई बाढ़ में, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, सोल से बाढ़ में क्यों लाया है, तो लाया 800 का क्या करेगा। हाँ, एक ही हूँ मैं तो, 800 के किसे लगाएगा तुम। लड़ाई किस बात की है कि 800 क्यों लाया, एक ले गया था ना। हाँ, बैल के लिए क्यों लाया। हाँ भाई, नहीं तो ये तो गलत बात है, मैसेज की गलत बात है। राखी भी दे देंगे, एक एक वीडियो बना बेटा, तो ऐसे 500 दे देते, परेशान हो गए, क्या करे बेचारा आदमी क्या करे हम। ये जिंदगी, बीवियों से परेशान आदमी ऐसे क्या करेगा, ऐसे लेटेगा जो जो भाई बीवियों से परेशान है, ऐसे लेट जाए। चलो भाई। और दोस्तों, यहाँ पर मनीष भाई ऐसे कुछ हंसी मजाक किए हमने। बाकी हम आ चुके हैं अमृतसर में, स्वर्ण गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं। ये है इधर का स्वर्ण गुरुद्वारे का रास्ता, तो भाई चलते हैं। और ये हमारे आगे चल रहे हैं सूरज भैया, और जो हमने जो यहाँ ब्लॉग किया था ना भाई, बहुत ही डिटेल से ब्लॉग किया था, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, जब मोबाइल चोरी हो गया। ये हम आगे चल रहे हैं, और ये हम ब्लॉग बना रहे हैं मोबाइल से, बहुत सिनेमेटिक भी, बहुत सुंदर सुंदर सिनेमेटिक लिए थे, लेकिन ये अभी सारी वीडियो राकेश भैया से लेके अपन वॉइस ओवर करके डाल रहे हैं, मजबूरी है, जबकि आपका भाई कभी वॉइस ओवर करते नहीं है, और है ना इतनी हैबिट भी नहीं है वॉइस ओवर करने की। तो बाकी देखो, ये है जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे ना उनकी प्रतिमा। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने इतना जुल्म किया था ना भारत देश पे कि भाई और किसी ने नहीं किया। तो अंग्रेज़ों से है ना उस टाइम पे जलियांवाला बाग के, आपको आपने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, जो सिख भाई जो शहीद हुए थे ना, तो भाई ये जलियांवाला बाग है, यहाँ कई तो कुएं के अंदर कूद के और कई बंदूकों से घायल हो चुके हैं,
इस तरीके से ना बहुत है ना अंग्रेजों ने जुल्म करा था, और हम आ चुके हैं गुरुद्वारे के अंदर अभी। और यहाँ पे फोटो वीडियो है ना भाई, लो तो बहुत अच्छे से लो, इज्जत से लो। और देखो हमने वीडियो वगैरह बना रही है, अभी हम मोबाइल से ब्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर से एनिमेटेड शॉट लिए थे यहाँ के। क्या कर सकते हैं भाई, जो भी होता है सब भगवान को मंजूर होता है, जैसा होता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम तो ये चीज़ जानते हैं। और सरोवर के अंदर देखो आप कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, जो कि 2 या 3 मछली हमने देखी थी पूरे सरोवर के अंदर। और सरोवर का पानी है ना बहुत साफ है, मतलब क्लीन है बिल्कुल, और सफाई चलती रहती है इसके अंदर। और इस सरोवर में ये देखो स्वर्ण मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत। मतलब आप यहाँ जब आओगे ना तो इस चीज़ का अनुभव आप यहाँ पे आने के बाद ही कर सकते हो, या तो गुरु महाराज के गुरुद्वारे पे या भगवान जी के आप मंदिर पे जाओगे भगवान के। बहुत ही सुंदर, वैष्णो देवी गए थे, हमें बहुत ही आनंद आया वैष्णो देवी जाने का। और दोस्तों वो ब्लॉग नहीं देखे तो वो भी देखना आप। और हमने स्नान है ना गुरुद्वारे से बाहर ही है ना, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ, हमने स्नान करके फिर अंदर आए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वे सरोवर में स्नान कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर ज़रूर से करना, और फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, आपको ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो देखने को मिलती रहेगी। बाकी सभी यहाँ पे सेल्फी फ़ोटो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं अभी।